हाय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुरुषोत्तम शर्मा एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीमती मोहरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ बेरियो नंबर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेरियो नंबर का जो कंजर्वेशन रूल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब जो आज बेरियो नंबर का कंजर्वेशन है, तो बेरियो नंबर के कंजर्वेशन का सीधा सीधा ये मीन है कि जो आपके बेरियन पार्टिकल्स हैं उनका जो कंजर्वेशन नंबर रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। दैट मींस ये होगा कि जो आपके बेरियन पार्टिकल्स हैं, जिनके ऐसे पार्टिकल जो बेरियोनिक है, उनका जो आपका बेरियोनिक नंबर है वो क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है प्लस वन होने वाला है। उनके जो एंटी पार्टिकल है उन बेरियन पार्टिकल के, वो क्या होने वाले हैं, आपके माइनस वन होने वाला है। और जो नॉन बेरियोनिक पार्टिकल्स हैं उनका क्या होने वाला है, बेरियो नंबर जीरो होने वाला है। यानी कि ये प्रोटॉन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बात करते हैं, इस तरीके के हम और कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं इसके अंदर। तो हम ये लिख देंगे, सबसे फर्स्ट अपना पॉइंट आएगा कि ऑल जो बेरियोनिक आपके पार्टिकल्स हैं, ऑल बेरियोनिक पार्टिकल्स हैव बेरियो नंबर प्लस वन। ऑल एंटी बेरियोनिक पार्टिकल विल हैव बेरियोन नंबर माइनस वन एंड नॉन बेरियोनिक पार्टिकल्स विल हैव जीरो बेरियोनिक नंबर। दैट मींस अपने को ये समझ में आ गया कि जो पार्टिकल्स बेरियोन के अंदर आते हैं उनका जो अपना बेरियोन नंबर है वो कितना होगा, प्लस वन होगा, और जो बेरियोनिक नहीं है उसका जीरो हो जाएगा, और जो उनके एंटी पार्टिकल्स हैं बेरियोन के उनका क्या हो जाएगा, आपके पास में माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज ये भी देखेंगे कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन को लेते हैं तो ये आपके बेरियोन के अंदर आते हैं, हाइप्रोन्स आपके बेरियोन के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि जिसमें हमने लेमडा के बारे में पढ़ा था, हमने केस्केट के बारे में पढ़ा, हमने सिग्मा के बारे में पढ़ा था, हमने ओमेगा के बारे में पढ़ा था, तो ये अपने बेरियोन के अंदर आते हैं। तो इनका जो नंबर होगा वो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। अब इस तरीके के हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइप्रोन्स। हाइप्रोन्स किसमें आते हैं, आपके बेरियोन के अंदर आते हैं। तो अब इनका जो नंबर होएगा, जैसे कि अपना लैम्डा है, लैम्डा पार्टिकल, अगर आप बात करते हैं सिग्मा पार्टिकल्स की, अगर आप केस्केड की बात करते हैं, तो केस्केड पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, इन सब के अंदर क्या सीन होगा कि ये आपके बेरियोनिक पार्टिकल हो जाएंगे। तो दैट मींस कि इनका जो बेरियोन नंबर है वो प्लस वन हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास से प्लस वन हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो ये भी किसमें आते हैं, आपके पास में बेरियोन के अंदर आते हैं। तो दैट मींस कि उनका भी जो आपका बेरियोनिक नंबर है वो क्या होगा, प्लस वन होगा। अब अगर अपन ऑल एंटी बेरियोनिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, ऑल एंटी बेरियोनिक पार्टिकल्स, उनका जो आपका नंबर होगा बेरियो नंबर वो क्या होगा, माइनस वन। और लास्ट में क्या आएगा, नॉन बेरियोनिक पार्टिकल्स, उनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आप एक एग्जांपल की भी बात करते हैं, तो हम एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि हमारे पास में अगर न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, अगर आप न्यूट्रॉन से क्या बनाते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में अगर आप इलेक्ट्रॉन की एंटी न्यूट्रिनो बना देते हैं, तो अब उस रिएक्शन के अंदर आपके पास में जो बेरियम नंबर है वो सिक्योर रहता है या नहीं रहता, कंजर्व रहता है या नहीं रहता, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है, अगर आप चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज क्या होगा, जीरो। दूसरी साइड अगर आप बात करते हैं तो होगा प्लस वन और माइनस वन, इसका हो जाएगा प्लस वन
एंटी न्यूट्रिनो है, यानी कि यहां पे ये प्रोटॉन की एंटी न्यूट्रिनो थी, तो अगर ये अपने पास क्या जाएगी -1, तो जब आप ये टोटल इसकी बात करते हैं तो कितना आता है 0, यानी कि चार्ज आपके पास क्या हो गया सिक्योर हो गया 0, इसका आप -1 ले लेंगे और इसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन पे +1, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अपने पास टोटल चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी कंजर्वेशन रूल चेक करना है कि वो वहां पे पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको सारे कंजर्वेशन रूल्स उस क्वेश्चन पे अप्लाई करने पड़ेंगे, उस समीकरण के ऊपर, उस पर्टिकुलर समीकरण के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रूल अप्लाई करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप चार्ज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, वो सब में ही कंजर्व होना चाहिए। उसी तरीके से जब आप बेरियम नंबर की बात करते हैं, तो जब बेरियम में आप क्या बात करेंगे, पहले सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन में अपने पास इलेक्ट्रॉन फैमिली आती है, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर हम ये देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे तो क्या है 0 है, इधर कोई आपका इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, तो 0, उधर क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन 0, फिर उसके बाद वाला भी 0, यहाँ पे क्या आएगा +1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा लास्ट में, इसके एंटी न्यूट्रिनो तो कितना आएगा -1 आएगा, एंटी पार्टिकल हो गया उसका, तो क्या मिलेगा आपने 0 = 0, यानी जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो भी इसमें क्या है सिक्योर है कंजर्व्ड है। दूसरी अगर आप बात करते हैं, अब अपना मेन पॉइंट आता है बेरियोनिक नंबर, कि बेरियोन नंबर यहाँ पे सेपरेट रखा या नहीं रखा, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे पार्टिकल है जो बेरियोन है, एक तो अपना न्यूट्रॉन, दूसरा अपना प्रोटोन, तो यानी कि इधर अपना बेरियम नंबर की जब आप बात करते हैं, तो यहाँ पे बेरियम नंबर आएगा +1, उधर आपका बेरियम नंबर आ जाएगा +1, दैट मींस कि जो बेरियम नंबर है वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे वेरी कर रहा है, यानी कि वो वहां पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ बेरियम नंबर था, ये अपना कंजर्वेशन ऑफ बेरियम नंबर रूल पूरा होता है। अब अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस की, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस। बेरियम नंबर में हमने ये पढ़ा कि बेरियोनिक जो पार्टिकल है उनका +1 होगा, जो नॉन बेरियोनिक है उनका 0 हो जाएगा, जो एंटी पार्टिकल है उसके उसका क्या हो जाएगा अपने पास में -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये अपने पास में सेट करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस, कंजर्वेशन ऑफ इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेंथनेस हो जाएगा। अब आप कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथनेस का मतलब हो गया विचित्रता, यानी कुछ ना कुछ उसमें अजीब होगा जो आपके बाकी सारे जो गुण होते हैं उनसे मैच नहीं करेगा। तो अब आप कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो इस तरीके से होती है कि स्ट्रेंथनेस इज ए क्वांटम नंबर विच इज 0 फॉर ऑल नॉन स्ट्रेंथ पार्टिकल्स, यानी जितने भी स्ट्रेंथ पार्टिकल नहीं है, नॉन स्ट्रेंथ पार्टिकल्स, जितने भी नॉन स्ट्रेंथ पार्टिकल है उनके लिए स्ट्रेंथनेस क्या होगी अपने पास 0 होगी, ठीक है। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रेंथनेस कंजर्वेशन का। अब दूसरा आगे ये होगा कि जो नॉन जीरो स्ट्रेंथनेस है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनमें स्ट्रेंथनेस शो होती है, स्ट्रेंथनेस शोइंग पार्टिकल्स, उनकी स्ट्रेंथनेस क्या होगी नॉन जीरो होगी, यानी जीरो नहीं होगी। सिंपल सा है डेफिनेशन, नॉट टिपिकल, यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं होने वाला। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल में आता है आपके केम आ जाएगा, के मेसोन है अपना, उसके बाद अपने पास में इसमें आ जाता है बेरियोन्स, हाइक्रोन्स, यानी के मेसोन, बेरियोन, हाइक्रोन, ये सारे क्या होंगे अपने स्ट्रेंथनेस के अंदर आएंगे। अब स्ट्रेंथ क्यों बोला गया है इसको, उसके कारण तक जाते हैं। नॉर्मली इसको स्ट्रेंथ इसलिए
फ्रैक्शन से हैं, लेकिन जब आप इनका डीके करते हैं यानी इनका जो प्रोडक्शन है वो तो होता है अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से यानी प्रबल अनन्य अभिक्रियाओं से, और जो इनका डीके होता है यानी ये टूटते हैं वीक इंटरेक्शन से यानी कि आपके दुर्बल अनन्य अभिक्रियाओं से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की या इस पॉइंट की बात करते हैं तो उसका मीनिंग ये होगा, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट डिके बाय द वीक इंटरेक्शन। दैट मींस कि दीस पार्टिकल्स हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर व्हिच इज सेड इन दिस वी कैन से दैट कि जो अपना दीस पार्टिकल्स मेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय strong interaction but these particles decay by weak interactions। तो इतना इसमें सिंपल सा कांसेप्ट है कि अगर जिनके अंदर स्ट्रांग इंटरेक्शन है, अगर पार्टिकल में स्ट्रांग इंटरेक्शन है दैट मींस कि ये एक गुण हुआ। दूसरा क्या होगा कि अगर ये बन तो रहा है आपके किससे स्ट्रांग इंटरेक्शन से लेकिन वीक इंटरेक्शन से ये क्या हो रहा है डीके हो रहा है, टूट रहा है वीक इंटरेक्शन से। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ बिहेवियर हो रहा है। तो उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इनको स्ट्रेंथ पार्टिकल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथनेस इज कंजर्व्ड इन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट वीक इन बट नॉट इन वीक इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया कोई भी ऐसी अनन्य क्रिया अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तब तो वहां पे ही जो आपका स्ट्रेंथनेस का रूल है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। अगर कोई ऐसी अभिक्रिया जो वीक इंटरेक्शन है वहां पे जो अपना स्ट्रेंथनेस का जो रूल है वो कंजर्व नहीं रहेगा। ये भी इसमें अपने पास में पॉइंट आ जाता है। अगला आता है ड्यू टू स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ सम पार्टिकल गैलिमन लेसिजिमा गिव्स अ रिलेशन फॉर स्ट्रेंथनेस। क्या रिलेशन दिया गैलिमन लेसिजिमा ने, Q इज इक्वल टू T 3 plus B plus S divided by 2। जो गैलिमन निसिजिमा थे उन्होंने एक आपके स्ट्रेंथनेस के लिए एक रिलेशन बताया, जो रिलेशन था Q is equal to T 3 plus B plus S divided by 2। यानी कि आपके इसके अंदर अपन जो बेरियोनिक नंबर है स्ट्रेंथनेस है ये T3 से यानी जो आपका थर्ड कंपोनेंट है उससे चार्ज का क्या रिलेशन होता है वो गैलिमन निसिजिमा में स्ट्रेंथनेस के ऊपर बेस्ड आपको बताया गया। कुछ अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं जिन एग्जांपल्स में हम ये बताएंगे कि कौन से पार्टिकल का क्या स्ट्रेंथनेस है क्या स्ट्रेंथनेस नंबर है। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया कि इसका विचित्र व्यवहार होने वाला है, कुछ ऐसे गुण ये शो करेगा जिसके कारण इसका नाम क्या होगा स्ट्रेंथ नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के अंदर हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट अपन लिखेंगे K प्लस K0 जो आपके मेसॉन्स हैं K मेसॉन उनका हो जाएगा प्लस 1 स्ट्रेंथनेस नंबर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटी पार्टिकल्स की, जो इसके कुछ एंटी पार्टिकल हैं यानी आप के माइनस और के जीरो पे बार लगा देंगे तो वो आ जाएगा -1। दैट मींस कि इसका जो स्ट्रेंथनेस नंबर होगा वो होगा -1। अगर आप ओमेगा की बात करते हैं अगर आप के स्केट की बात करते हैं अगर आप सिग्मा की बात करते हैं थीटा की बात करते हैं इन सब के अंदर अलग अलग होगा। जैसे आपका सिग्मा पार्टिकल है उन सिग्मा पार्टिकल्स के लिए जो आपका स्ट्रेंथनेस नंबर है वो सिग्मा पार्टिकल्स के लिए होता है -1। अगर आप कैस्केड की बात करते हैं तो कैस्केड पार्टिकल्स के लिए आपका होगा -2। और अगर आप ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा के लिए जो आपका स्ट्रेंथनेस नंबर होगा वो होगा -3। आपको सारे जो पार्टिकल है कुछ जिनके अंदर स्ट्रेंथनेस है उनका जो स्ट्रेंथनेस नंबर है वो आपको मिल चुका है। A typical example of the strength behavior of particle, यानी कि आप अपन एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके के वहां पे स्ट्रेंथनेस को शो करता है कि वो बनेगा तो अपने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बट डीके होगा किसमें वीक इंटरेक्शन में।
उस एग्जांपल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आप पाई माइनस को लेते हैं पी प्लस के साथ, यानी पाई और पी यानी प्रोटॉन को साथ में लेंगे इसके साथ में, तो अगर आपके इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन से बनता है तो आपके पास इसमें बनेगा इसमें अपने पास बनेगा लैम्डा प्लस बन जाएगा के मेसोन। अगर आपके पास में इसमें के मेसोन बन रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, तो जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बना है इसका मतलब ये डीके किसमें होगा अपने पास में, वीक इंटरेक्शन में होगा, यानी ये टूटेगा किसमें, वीक इंटरेक्शन में टूटेगा। तो अब इसके टू टाइप के क्या हो सकते हैं, वीक इंटरेक्शन हो सकते हैं, ये टूटेगा टू टाइप से। एक अगर आप वीक की बात करते हैं, एक वो यहाँ पे हम वीक इसमें डीके करवा सकते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, अगर आप इसका वीक इंटरेक्शन करवाते हैं तो एक बार आप इसमें बन सकता है पाई प्लस और पाई माइनस। अगर आप दूसरी बार बात करते हैं तो आपके पास बन सकता है पी प्लस और दूसरा आपके बनेगा पाई माइनस, यानी प्रोटॉन बनेगा और साथ में पाई माइनस बन जाएगा। यानी कि इससे आपने एक चीज स्ट्रेंज यहाँ पर ये नोट करेंगे कि ये पाई माइनस और पी प्लस को आप मिक्स करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपको मिलता है लैम्डा प्लस के नॉट। अगर आप इसको वीक डीके में तोड़ेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, पाई पी प्लस मिलेगा और पाई माइनस मिलेगा। दैट मींस कि यहाँ पे स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है कि ये जो पाई माइनस और पाई पी प्लस है उससे अपने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन में लैम्डा और के नॉट। लेकिन आप इसको जो तोड़ना चाहेंगे डीके करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा पी प्लस और पाई माइनस। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यानी बन तो रहा है स्ट्रॉन्ग से और टूट रहा है वीक से। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेंथनेस यहाँ पे शो होती है। स्ट्रेंथनेस कंजर्वेशन गवर्न्स ओनली द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बाय वीक इंटरेक्शन ऑफ डीके चेंज स्ट्रेंथनेस एज लिटिल एज पॉसिबल। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग से बनेगा डीके होगा वीक से। तो हमने आज कंजर्वेशन ऑफ बेरियल नंबर, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस के बारे में पढ़ा। दोनों ही इजी से टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अपना उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी आएगा। तो कुछ इस तरीके के एक दो रूल और बचे हैं जो अपन पढ़ेंगे। आपको जो करवाए जाते हैं टॉपिक्स उनका नोट्स आप जरूर बनाइए कीजिए, जिससे कि वो आपके लिए बेस्ट रहे, सिलेबस आपका कंटिन्यू चल रहा है जो कि आपके लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।